नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा मॉडल की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा मॉडल क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जा रही है और विपक्ष के पास इन मुद्दों की क्या काट है या विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काट है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये संवाद सभा। आज हम बातचीत करेंगे जो पिछले कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी ने जो जनता के बीच में सफेद झूठ बोला है उसके बारे में। नरेंद्र मोदी की ब्यूटी है कि वे मीडिया के रथ पे सवार हैं और मीडिया जनता के दिमाग पर सवार है और नरेंद्र मोदी के दिमाग में और जीभ पर झूठ सवार है। और इसी अर्थ में नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो उस भाषण को तरीके से तथ्यों के आधार पर समझने की जरूरत है। जो लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी सच बोलते हैं, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते, वो गलत फहमी के शिकार है, उन्हें सच नहीं मालूम। मैं शुरुआत करता हूं बिहार में, जब वो गए जमुई गए और जमुई में जो उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। और ये झूठ जो है वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उन्होंने एक कैंपेन किया हुआ है पिछले एक साल में, बहुत सिस्टमेटिक कैंपेन, कि विदेशों में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है और विदेशों में उसे गुरु मान लिया गया है। नरेंद्र मोदी ने एक बात कही वहां जो कि फैक्चुअली सही नहीं है, तथ्य की दृष्टि से एकदम गलत है। उन्होंने कहा कि भारत की पहले कमजोर विदेश नीति थी, अब भारत की बहुत धाकड़ विदेश नीति है और हम दुश्मन के घर में घुस के मारते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जो लेह लद्दाख में जो हिस्सा डिस्प्यूटेड लैंड था उसमें चीन ने कब्जा अभी भी किया हुआ है, क्या चीन को जाके घुस के मारने का साहस जुटा पाए नरेंद्र मोदी? नहीं। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी कोई अपने 10 साल के शासन में युद्ध लड़ा? नहीं। एक वो पुलवामा वाली जो स्ट्राइक हुई थी ना, सर्जिकल स्ट्राइक, उस स्ट्राइक का भी यूएनओ के जो प्रतिनिधि थे जो कि बॉर्डर पर तैनात हैं, उन्होंने साफ कहा था कि कोई पाकिस्तान में घुस के कोई स्ट्राइक ही नहीं की गई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कैंपेन किया। अब नरेंद्र मोदी ने कैंपेन अब फिर शुरू किया है और जो कि गलत है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के अंदर घुस के किसी को नहीं मारा। हां, जिसे वो कमजोर विदेश नीति कहते हैं, भारत की उस विदेश नीति का एक परिणाम है कि भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया, और एक बार नहीं दो दो बार हराया, तीन बार हराया, बल्कि 1971 की विजय को कौन नहीं जानता। वो कमजोर विदेश नीति का परिणाम नहीं थी, वो कमजोर सैन्य शक्ति का परिणाम नहीं थी विजय। तो नरेंद्र मोदी तथ्य की दृष्टि से झूठ बोलने की जैसे उनकी हैबिट है और ये हैबिट उनको आरएसएस की शाखा में मिली है। दूसरा झूठ उनका ये था जो कि उन्होंने बिहार में बोला कि मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं और ये जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, जिसे नरेंद्र मोदी इंडी कहते हैं, उनको इंडिया बोलने में अब जीभ लड़खड़ाने लगी है उनकी। अगर उनको अंग्रेजी में इंडिया बोलने में जीभ लड़खड़ाती है तो उसका जो पूरा नाम है उसी को बोले, वो हिंदी में ट्रांसलेट करके बोले। नरेंद्र मोदी की दिमाग की जो क्षमता है वो ये है कि वो इंडिया गठबंधन का पूरा नाम याद नहीं रख सकते। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि नरेंद्र मोदी चाहते तो हैं कि वो देश उनकी बातें सुने, लेकिन वो विपक्ष का नाम नहीं लेना चाहते। उन्होंने कहा कि वे सब भ्रष्ट हैं और एकजुट हो गए, 10 साल हो गए
नरेंद्र मोदी के 2014 के भाषण उठा के देखिए, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का धन स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा है, लेकिन कांग्रेस का एक नेता न तो पकड़ा गया न उस धन का पता दिया, और बल्कि जब जिस ने स्विट्जरलैंड और पनामा के अवैध खातों का पता छापा अखबारों ने, तो नरेंद्र मोदी ने पनामा के अकाउंट्स के डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट को देने से मना कर दिया। ये कौन सी मतलब तर्क प्रणाली है जिसका कि नरेंद्र मोदी पालन करते हैं कि हम झूठ बोलेंगे और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। अब जरा दूसरी तरफ चलते हैं हम और देखते हैं, उन्होंने एक बात कही है कि कांग्रेस के बारे में, ये उन्होंने चंद्रपुर में, महाराष्ट्र में चंद्रपुर में रैली में कही ये बात। उन्होंने कहा कि हम मेरी कांग्रेस के बारे में राय नहीं बदल सकती। जाहिर है कि आपकी राय नहीं बदल सकती, तो कांग्रेस ने फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया, कांग्रेस ने आधुनिक स्वतंत्र भारत के निर्माण में केंद्रीय भूमिका अदा की, आपकी राय बदल कैसे सकती है? कांग्रेस लगातार आपकी पार्टी को हराती रही, आपकी राय नहीं बदल सकती। आपके अंदर जो कांग्रेस विरोधी भावना है वो भी नहीं बदल सकती कांग्रेस। हाँ, एक काम किया है कांग्रेस का, असर एक है जो कि नरेंद्र मोदी पर है। कांग्रेस के नेताओं के बिना बीजेपी अब चल नहीं सकती और नरेंद्र मोदी चल नहीं सकते। तो नरेंद्र मोदी करते क्या है कि वो प्रलोभन देते हैं, दंडित करने का भय दिखाते हैं, और वो कांग्रेस के नेताओं को एकजुट कर रहे हैं अपने साथ में। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो कोई बड़ी और भी मजेदार थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग राम मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहे थे। नरेंद्र मोदी भूल गए, राजीव गांधी ने तो शिलान्यास किया था राम मंदिर का, और शिलान्यास करके अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की थी। किसी भी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का विरोध नहीं किया, सभी ने स्वागत किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने झुकाया, हम मानेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मतलब यह नहीं था कि राम मंदिर के बारे में जो आरएसएस के तथ्य थे वे मान लिए गए। वो एक तरह से पॉलिटिकल जजमेंट था कि किसी भी तरह से लोगों के बीच में अशांति को खत्म किया जाए। और राम मंदिर के निर्माण के लिए जो कमेटी पहले बनाई गई थी, नरेंद्र मोदी ने तो उस कमेटी को माना ही नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जो कमेटी है उसके जरिए राम मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी ताकत का दुरुपयोग किया और एक नई कमेटी बनाई। राम मंदिर के निर्माण से भारत सरकार का क्या लेना देना? क्यों भारत सरकार के आरएसएस के लोग उसमें ठूसे गए? राम मंदिर का निर्णय आरएसएस की पिटीशन पर नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक विशेष अधिकार का प्रयोग करके वो जजमेंट दिया था, और उस जजमेंट को सभी दलों ने एक सिरे से स्वीकार किया कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने झुका, हमारे वो फैसला सिरमा थे। एक अन्य चीज क्योंकि नरेंद्र मोदी गढ़चिरौली में बोले, उनका कहना यह है कि कांग्रेस का आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट नजरिया रहा है। हम बहुत साफ कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने एकमात्र भिंडरा वाले को लेके कुछ समय के लिए गलती की थी, लेकिन अधिकतर समय तो कांग्रेस का अनकंप्रोमाइजिंग रवैया रहा है। और इसी में उन्होंने गढ़चिरौली में एक और बात कही जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया उस पर मुस्लिम लीग की मोहर लगी हुई है। नरेंद्र मोदी की मुश्किल यह है कि वो इतिहास तो पढ़ते नहीं है, इतिहास को जानना भी नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन के दौरान 1947 के पहले की मुस्लिम लीग की मोहर लगी हुई है। नरेंद्र मोदी से पूछो कि मुस्लिम लीग ने कब
बेरोजगार स्त्रियों और पुरुषों को, नौजवानों को बेकारी भत्ते का वायदा किया था? कब ये कहा था कि गृहिणियों को हर महीने पैसे दिए जाएंगे? मुस्लिम लीग के तो एजेंडे में कभी था ही नहीं है। कांग्रेस ने जो जिन पांच न्याय की चर्चा की है, वे पांच न्याय या उनमें से कोई एक भी न्याय मुस्लिम लीग के किसी भी इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं था। दूसरी चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, जब भारत विभाजन हुआ और भारत विभाजन के बाद में जो मुस्लिम लीग भारत में रह गई, उस मुस्लिम लीग ने भारत के संविधान को स्वीकार किया और भारत विभाजन को स्वीकार किया और कहा कि भारत के सेकुलर संविधान के तहत हम रहना और जीना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। और जिन्ना वाली मुस्लिम लीग से उन्होंने अपने को अलग किया, उन्होंने भारत विभाजन के फैसले से भी अपने को अलग किया। तो मुस्लिम लीग की मोहर का तो प्रश्न ही पैदा नहीं। और मुस्लिम लीग एक राजनीतिक दल है और उस राजनीतिक दल के नाते उसको अपना एक एजेंडा बनाने का अधिकार है। कम से कम वो आरएसएस से अधिक ईमानदार है। आरएसएस के लोग तो कोई एजेंडा बनाए बिना सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। आरएसएस अपने नाम से चुनाव लड़े, क्या दिक्कत है? मुस्लिम लीग ने जो गलती की थी आजादी के पहले, उस गलती का सबक मुस्लिम लीग को मिला और भारत में जो मुस्लिम लीग रह गई, जिसने कि मुस्लिम लीग के तौर पर काम करना शुरू किया, उसने भारत के संविधान और यहां के नियमों को मानने की घोषणा की। वे धर्म के आधार पर आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।